हम लोग तो मोदी के ही थे। आरजेडी को ऐसा प्रत्याशी नहीं भेजा है ना, बिना मैडम को पड़ेगा। बिना शुक्ला जी भी खड़े हैं, उनको हम नहीं देखे और जानते भी नहीं है। देवी के मोदी जी को ये पूरे भारत जा रहा है कि भाजपा क्या कर रहे हैं, मोदी को ही भोज दे। कुर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव की टीम आज मुजफ्फरपुर में मौजूद है और यहां से जानेगी कि इस बार वैशाली में जो जनता है वो किसे वोट करेगी। एक तरफ अगर बात की जाए आरजेडी से मुन्ना शुक्ला जी प्रत्याशी हैं और एलजेपीआर से वीना देवी, तो चलिए लोगों से जानते हैं कि वो किसे मतलब वोट देंगे इस बार। क्या लगता है चाची, इस बार किसको वोट दीजिएगा, चुनाव के समय आ गया है? हम लोग तो मोदी के ही। अच्छा, मोदी जी के तरफ से तो वैशाली से वीना देवी खड़ी हैं, तो वीना देवी को आप चुन रही हैं कि मोदी जी को चुन रही हैं? वीना देवी को। क्यों वीना देवी? हम लोग की मजबूरी है, क्या करें, वैसा कैंडिडेट के अच्छा भेजबे नहीं किया तो हम लोग का मजबूरी है। अगर उनके सामने देखा जाए तो आरजेडी से प्रत्याशी खड़े हैं, आरजेडी से क्यों नहीं? मुन्ना शुक्ला जी आरजेडी से खड़े, उनको क्यों नहीं? आरजेडी को ऐसा प्रत्याशी नहीं भेजा है जैसा भेजना चाहिए। वहाँ हम लोग का संसदीय क्षेत्र में जो है अल्पसंख्यक का सीट बनता है और वहाँ भूमिहार को दे दिया जी, इसके कारण हम लोग छूट होकर वीना देवी को ही वोट देंगे। वीना देवी को ही वोट दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, मैं इनसे बातें करूंगा। आप चाची किसको वोट दीजिएगा अबरी? देगा मैंने मीना देवी को। किसको? क्या लगता है कि इस बार वैशाली से अगर बात की जाए तो यहाँ से एक तरफ बात की जाए तो एलजेपीआर से वीना देवी हैं और उनके सामने आरजेडी से मुन्ना शुक्ला है, किसको वोट दीजिएगा? वीना मैडम को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वीना मैडम हम लोग के साथे रहते हैं, बुलाते हैं, कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो एकदम तैयार रहती हैं, मतलब जनता से जुड़े हुए रहते हैं। जनता से जुड़े हुए हैं मैडम। उनके सामने अगर मुन्ना शुक्ला जी भी खड़े हैं, उनको क्यों नहीं? उनको अभी हम देखे नहीं है, उनको हम नहीं देखे और जानते भी नहीं है। जानती तक नहीं उनको? नहीं जानते हैं उनको। क्यों? हम देखे नहीं है कि मुन्ना शुक्ला भी कौन है। अच्छा, अभी चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो आप वीना देवी को वोट कर रही हैं या नरेंद्र मोदी जी को देख के वोट कर रही हैं? नरेंद्र मोदी जी को देख के वोट या वीना मैडम को देख के? हम लोग वीना मैडम को जानते हैं, वीना मैडम के तरफ से हम लोग है, वीना मैडम का सपोर्ट है, हम लोग के साथ है, आशीर्वाद है, इसीलिए हम लोग चाहें कि वीना मैडम के साथ हम लोग रहें जी। तो यहाँ पे और भी महिलाएं मौजूद है, मैं इनसे भी बातें करूंगा। क्या लगता है आप किसे वोट करेंगी? वीना देवी को। क्यों? हम लोग को कमाने खाने के लिए सब कुछ अथी मिला है, रोजी रोजगार कमाने खाने के लिए रोजी रोजगार मिला है, बाल बच्चा का, हम लोग गरीब दीदी थे तो सब मिला है और तो उन्हीं इसीलिए। उनके सामने मुन्ना शुक्ला जी मौजूद है, उनको क्यों नहीं करेंगी? वो लोग को तुम पहचान है, वीना देवी तक पहचानते हैं? कहाँ देखे हम लोग, कहाँ देखे हैं? चलिए, तो यहाँ पे और महिलाएं मौजूद, मैं इनसे बातें करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। क्या लगता है चाची, आप किसको वोट कीजिएगा? किसको वोट कीजिएगा? वीना देवी के। वीना देवी जी को। क्यों? क्यों? उन लोग हर मौके पर खड़ा रहते हैं, हर चीज में वो खड़ा रहते हैं। वीना देवी हर चीज में खड़ा रहती हैं, उनके सामने तो मुन्ना शुक्ला जी हैं, उनको है? जी उनको क्यों नहीं? उनको नहीं, कहाँ हम लोग के देखते हैं? क्या नहीं देख पाते हैं? हम लोग के इंदिरा आवास भी नहीं मिलता है, न पैखाना घर मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वीना देवी जी को सपोर्ट करेंगी आप? हाँ। चलिए, यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, मैं इनसे बातें करूंगा। अच्छा चाची, केकड़ा वोट देव? करा दी हमारा तो घर द्वार मिलवे न कह का कुछ, घर द्वार मिलवे करे केकरा दिए, ऐसा ही ना दे, जब घर नहीं मिलती तारे वोट हम ना देबे, मतलब जो घर देगा उसको वोट दीजिए। हाँ, हाँ, तो ये तो गलत बात है, पहले वोट दीजिएगा तबे तो घर मिलेगा ना, जैसे पहले घर मिलते ही तो पहले घर मिलेगा तो। हाँ, बहुत नाराज लग रही है आप, एक तरफ तो वीना देवी जी हैं, एक तरफ मुन्ना शुक्ला हैं, दोनों में से किसको दीजिएगा?
मीना देवी के देवे। मीना देवी चलिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। क्या लगता है चाची, आप किसको इस बार वोट दीजिएगा? आप इस बार किसको वोट दीजिएगा? मीना देवी के। क्या है अब लोग देतीन गांव के तो हम दे देवे। मतलब गांव देगा तो आप भी दे दीजिएगा। आपके हिसाब से क्या जी क्या दे दीजिए? क्या बोल रही हैं? मीना देवी क्या दीजिएगा? हम मीना देवी जी को दीजिएगा। क्या क्या दीजिएगा? मीना देवी नहीं दीजिएगा वोट? दीजिएगा वोट। किसको देना है वोट? हम लोग का दीजिएगा तो मीना देवी क्या देंगे? मीना देवी क्या देंगी आपको? उनके सामने मुन्ना शुक्ला जी देते हैं नहीं, दुख दर्द में देखते हैं तो क्या जी जी क्या बोल रही हैं? घर उर मिलवे ना कर हमने के घर नहीं मिल रहा ना, मिला ना बाथरूम मिला तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है, कमा के खाते हैं। कमा के खाते हैं। वोट तो देना होगा ना किसी को? देंगे। किसको दीजिएगा? मीना देवी के देंगे। अभी तक कह रही है मीना देवी जी कहती नहीं, फिर कहती है कि मीना देवी जी को मदद तक कीजिएगा ना, गरीब को सहायता कीजिएगा ना। चलिए तो यहाँ पे और भी महिलाएं मौजूद, मैं इनसे भी बातें करूंगा। क्या लगता है चाची, ये तो कह रही है कि घर नहीं मिलेगा तो वोटे नहीं देंगे, आपका क्या मानना है? मोदी के मोदी जी को मतलब बीना देवी को कुछ दिया चाहे नहीं दिया देंगे सरकार के। अच्छा दिया सरकार के देंगे। अच्छा चलिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो महिलाएं मौजूद हैं अभी ये किसे मतलब वोट देंगी इस बार, क्योंकि वैशाली से दो प्रत्याशी हमारे सामने नजर आ रहे हैं, मुन्ना शुक्ला और वीना देवी। तो मैं बातें करूंगा, क्या लगता है दीदी किसको वोट दीजिएगा? भाजपा को दीजिएगा जी। क्यों क्यों? वो हम जानते हैं, सारी दुनिया जान रही है, पूरे भारत जा रहा है कि भाजपा क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, हर तरह का आवाज दे रहे हैं। 15-14 तरह का योजना है उन्होंने लागू कब हुआ, लेकिन वही सब कुछ कर रहे हैं, वो योजना को ओपन कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो हम भाजपा को ही वोट देंगे, नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे। वैशाली से हैं आप जी? तो वैशाली में तो बीना देवी हैं और एक तरफ मुन्ना शुक्ला जी हैं, मुन्ना शुक्ला जी को क्यों नहीं? नहीं तो उतना हम मुन्ना शुक्ला जी के बारे में नहीं जानते, कि हम बीना देवी को जानते हैं और उन्हीं के तरफ से आए। तो आप बीना देवी जी को वोट दिया कि नरेंद्र मोदी जी को देख के वोट दीजिएगा? हम तो नरेंद्र मोदी जी को देख कर वोट देंगे, बीना देवी जी को देख के नहीं। बीना देवी हमारे संसद से लड़ रही है, हमारे तरफ से लड़ रही है, तो फिलहाल तो हम बीना देवी के देंगे। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कितना जगह पे लोगों का कहना है कि प्रत्याशी की जगह पे वो नरेंद्र मोदी को देख कर दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ नहीं है, हमारे बातों को लेकर के संसद तक बीना देवी पहुंचा रही है, तो हम उन्हीं को देंगे वोट जी। बिल्कुल उन्हीं को देंगे वोट, क्योंकि हमारे बातों को, हमारे छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के वही पहुंचा रही है, हम तो खुद नहीं जा रहे हैं। हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमें लाभ दे रहे हैं, लेकिन लाभों का जो भी कुछ होता है वो हमें उन्हीं के तरफ से बीना देवी की तरफ से आ रही है। मतलब यहाँ से तो बीना देवी जी यहाँ का बात लेके संसद जाएंगे जी? बिल्कुल जी। तो चलिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातें करूंगा और जानूंगा कि ये किसे वोट देंगी। क्या लगता है चाची, बड़ा दूर से बड़ा देर से आप देख रही थी? मीना देवी के। मीना देवी जी को। मुन्ना शुक्ला जी को क्यों नहीं देंगे? देंगे। मुन्ना शुक्ला जी को भी दीजिएगा? नहीं, एक के को कोई आदमी को ना दे। हाँ तो किसको दीजिएगा? मीना देवी के। क्यों दीजिएगा? मीना देवी के देवे करेंगे। क्यों दीजिएगा? काहे दीजिएगा कि विकास हो या फिर किस लिए दीजिएगा? सारे काम तो लोग करते ही सही आदमी के ना दिल जाते जी। यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि अब ये इनके हिसाब से ये किसे वोट देने का देंगी इस बार। क्या लगता है दीदी, क्या लगता है इस बार आप किसको वोट दीजिएगा? नहीं उधर मत पूछिए, वोट आपको देना है मीना देवी के। मीना देवी की। मीना देवी जी को। उनके सामने तो मुन्ना शुक्ला जी मौजूद हैं, मुन्ना शुक्ला जी को क्यों नहीं? नहीं जानते हैं तो। नहीं जानते हैं। नहीं जानती हैं? अब बीना देवी जी को जानती हैं आप? हाँ, कैसे जानती हैं? बोला है वो तो आए हैं तो जानेंगे नहीं। अच्छा अगर विकास के तौर पर अगर बात की जाए, नरेंद्र मोदी जी इतने सालों से हैं केंद्र में, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है भारत में? हुआ है। हुआ है हाँ। अब महंगाई बढ़ी है कि घटी है पहले से?
है, पहले से तो बढ़ी है महंगाई, पहले से महंगाई बढ़ी है। उसके बाद भी अगर बीच में अगर केंद्र में देखा जाए तो एक तरफ नरेंद्र मोदी एक तरफ राहुल गांधी हैं, तो किसका सरकार बनना चाहिए? सरकार तो नरेंद्र मोदी के बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी। हाँ, वोट दे मीना देवी के, चाहे मोदी जी के वोट पड़ा, मोदी जी हैं इसीलिए आप बीना देवी जी को वोट दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, अगर बीना अगर वैशाली से बात किया जाए तो एक तरफ बीना देवी एक तरफ मुन्ना शुक्ला जी हैं, तो मुन्ना शुक्ला जी को क्यों नहीं दीजिएगा? नहीं, हम मोदी के देंगे, इतना फ्री में इतना जो गरीब सके अनाज पानी बांटे छथिन, तो हुनका देबे कि उकरा देबे मुन्ना शुक्ला का, हम पूछे। लेकिन लोग तो कह रहे कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। महंगाई बढ़ गया तो महंगाई कम करतीन, आ जितना इंदिरा आवास दुनिया संसार से हमको सके नहीं मिलता है, कभी ले नहीं मिले, तो उसे देबथिन कि चलिए आप वीना देवी जी को वोट दीजिएगा। वोट दीजिएगा तो क्यों दीजिएगा? जाति के तौर पर वोट देना है कि विकास के तौर पर वोट देना? विकास के तौर पर वोट देना। हाँ, अभी तक विकास के तौर पर। पहले से वैशाली में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, हुआ है, हुआ है। अब ये देश पर के देखिए, जो इतना गरीब सा है, इंदिरा आवास आज नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला, नहीं, यही लेल दिक्कत हमको है नतार कुछ। जी जी जी, क्या बोल रही है? इधर आके बोलिए ना, आप कैमरा में आके बोलिए, क्या बोल रही है? हम लोग भी तो कहते हैं इंदिरा आवास अभी नहीं मिला है। हाँ, नहीं मिला है, नहीं मिला है। हाँ, चलिए नहीं मिला है तो इस बार लगता है कि सरकार बनेगा तो मिलेगा इस बार। हाँ, जो जीतेगा तो देवे ना करेंगे, मतलब मिलेगा। हाँ, मिलेगा। चलिए, आप गृहिणी है, घर संभालती है, गैस सिलेंडर पे तो दोनों तरफ से बात हो रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हम 400 या 500 रुपए कर देंगे, अगर महागठबंधन का सरकार बनेगा तो 400 500 रुपए गैस कर देंगे, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में मिलेगा। क्या लगता है? हम लोग का तो प्राइवेट है, सरकारी नहीं लिए हुए, नहीं मिला है। अच्छा, जी जी बोलिए ना। अब बिजली बत्ती के इतना काहे कराई चला हुआ है? बिजली बत्ती के इतना कराई काहे चला हुआ है? क्या कराई चल रहा है? चल रहा है कि जिसको गरीब के पैसा नहीं है बढ़ता है, तो उसको पैसा नहीं है तो काहे जब्ती हो रहा है भाई, अथी कर रहा है? बिजली बत्ती सबके लेना है। हाँ। जब मटिया से नहीं मिलता है तो बिजली बत्ती ना काम देता है? हाँ। तो फिर ये पर काहे इतना कराई है कि इतना इतना पैसा लेता है? न जिसको पैसा नहीं होगा तो घर जब्ती करेंगे। हाँ। कहने का मतलब है बिजली तो अभी एक तरह से प्राइवेट कर दिया गया है ना। हाँ। प्राइवेट पहले, अभी अगर बात किया जाए बिजली को लेके, महंगाई को लेके, तो पहले से विकास को लेके, तो विकास पहले से हुआ है कि नहीं भारत में, इतना बताइए। विकास तो हुआ है, इतने की दिक्कत है कि हमको सके इंदिरा आवास नहीं मिला। इंदिरा गरीब आदमी, ये देखिए बिजली बत्ती के बहुत अथी है, कराई है पैसा के। हाँ, बिजली बत्ती के बहुत कराई है। चलिए, यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, मैं इनसे भी जानूंगा और पता करूंगा कि ये इनके हिसाब से किसे वोट देंगी। तो जैसे कि अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मुन्ना शुक्ला जी के सामने वीना देवी जी मौजूद हैं, कि अगर किसको वोट दीजिएगा चाची? वीना देवी की। क्या है? का है? सब जिसका मन करेगा तिसका देवेगा, जिसका मन करेगा तिसका देंगे। तो जिसका मन करेगा मन से कीजिएगा कि लोग कहेंगे तो कीजिएगा? का है? सब कोई देगा तो इसका देंगे। क्या बोल रही है? अपना मन से देंगे। क्यों दीजिएगा? क्यों दीजिएगा? उसके साथ जीते हैं, उसी से जीते हैं, तो किसका वोट देंगे? मेरा पूछने का मतलब है विकास के तौर पर दीजिएगा कि जाति के तौर पर दीजिएगा? विकास होना चाहिए, उसके लिए दीजिएगा कि जातिवाद के तौर पे दीजिएगा? हम कहा उसके से जीते हैं उसी के वोट देंगे, उसका छोड़ के कोई के नहीं देंगे, उनको छोड़ के किसी को नहीं दीजिएगा। जैसे कि अभी आपने सुना कि यहाँ पे जो महिलाएं मौजूद थी उनका कहना था कि इस बार वैशाली से जो प्रत्याशी खड़े हैं LJPR से वीना देवी और RJD से मुन्ना शुक्ला, तो इनका कहना है, बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो मुन्ना शुक्ला जी को तो पहचान भी नहीं रही है, वीना देवी जी के साथ में खड़ी है क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी को चाहती हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी,
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।